आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम मोटे वाली लाल मिर्चों का अचार डालने जा रहे हैं, जो कि सर्दियों में ही आती है, सारे पूरे सीजन में नहीं आती है। ये वाली मिर्चें हैं जो सर्दियों में ही मिलती हैं और पूरे साल नहीं मिलती हैं। तो इनको मैंने पहले वॉश किया, फिर डंठल तोड़ी और उनको दो दिन के लिए बीच में से चीरा लगा कर दो दिन के लिए हमने धूप में सुखा दिया है। अब हम इनका अचार बनाएंगे। अब हम इनके इस तरह से बीज निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सभी मिर्चों के बीज निकाल चुके हैं। ये हमने आधा किलो तेल लिया है और उसको हमने खूब पका लिया है। पकाने के बाद हमने इसको ठंडा किया है, जो हम मसालों में इसको ऐड करेंगे। ये हमने 300 ग्राम सौंफ लिया है, जिसको हमने दर्दरी इस तरह से बारीक पीस ली है। ये देखिए कैसी बारीक पीसी हुई है, इस तरह की आप भी पीस लें। ये हमने खटाई ली है, ये भी 300 ग्राम है, सो हमने पीस ली है। ये 125 ग्राम नमक है, ये 150 ग्राम हल्दी है। इन सबको हम आपस में मिक्स करेंगे। हमने एक खाली बाउल ले लिया है बड़ा, और इसमें हम सब मसालों को ऐड करते हैं। ये देखिए मैं सौंफ डाल रही हूँ। हम खटाई डाल रहे हैं। अब हम नमक डाल रहे हैं। अब हम हल्दी डाल रहे हैं। और ये यहाँ जो हमने मिर्चों के बीज निकाले थे, ये भी हम इसके अंदर ही ऐड कर रहे हैं। इस मसाले में ही ऐड करने हैं ये मिर्च। और अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे। पहले हम इसमें तेल डालने की जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। अब इसके अंदर हमको ये पका हुआ तेल डालना है। इसे धीरे धीरे अब हम तेल डाल के मिला लेते हैं। तेल हमने बचा भी रखा है इसमें डालने के लिए, अब ये तेल और डलेगा इसमें। धीरे धीरे डाल के हम मिलाएंगे। हमने धीरे धीरे करके सारा तेल इसके अंदर डालकर ये अपना मसाला तैयार कर लिया है। अब हम इनको भरते हैं, हम आपको बताएंगे। ये इस तरह से इसके अंदर मसाला आप पूरा भर दें। इस तरह से आप इनको खोलकर इनके अंदर पूरी तरह से अच्छी तरह से खूब मसाला भर दें। ये देखिए इस तरह से आप मसाला पूरी तरह से अच्छी तरह से भर दें। और भरने के बाद ये इस तरह से आप जार में लगाते जाएं। पहले बड़े बुजुर्ग होते थे, वो तो घर में अपना डालते रहते थे, करते रहते थे, पर लेकिन आजकल कोई भी नहीं डालता। ज्यादातर रेडीमेड ही थे, मार्केट से खरीदा और खा लिया। लेकिन मेरा कहना यही है कि चाहे आप थोड़ा ही डालें, लेकिन एक बार डालकर ट्राई जरूर करें। ये बहुत अच्छा लगता है, पूरी से, पराठे से, रोटी से, किसी चीज से भी आप खा सकते हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आप एक दफे जरूर डालें और मुझे आप बताएं, कमेंट करें कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। यदि आपको कोई दिक्कत आएगी तो मैं उसको सोल्व करूंगी। अब हमारा अचार तैयार है, हमने जार में डाल दिया, तैयार है। अब इसमें हम ये तेल डाल देते हैं, जिससे कि हमारा अचार खराब ना हो, टेस्ट अच्छा आए, लंबे समय तक रुक जाए। तो हमारा अचार, ये अचार जो है लंबे समय तक रुक जाता है। तेल इतना डालें कि सारी मिर्चों तक चला जाइए अच्छी तरह से। और ये यदि आप मार्केट से लेंगे तो 500 रुपये, 550 रुपये मिलता है, और घर में ये 100-125 रुपये किलो पड़ जाता है। तो इसलिए सारी चीज़ें शुद्ध भी होती हैं, साफ़ सफाई की होती हैं, इसलिए घर में ही एक बार आप बना के देखें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।